सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लगातार 11 मैचों में हार के बाद आखिरकार पाकिस्तान टीम को जीत मिल गई है। कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 14 रनों से हराकर वर्ल्ड कप में उलटफेर कर दिया, लिहाजा हर तरफ पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यहाँ देखिए शोएब का बयान। शोएब अख्तर ने मैच के बाद कहा, आज का मैच कोई उलटफेर नहीं था, कप्तान हमारा जाग गया है, टीम हमारी जाग गई है, पाकिस्तान ने अपनी ताकत से ये मैच जीता है। मैंने पहले भी कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम स्ट्राइक करेगी और आज ये सर्जिकल स्ट्राइक थी। पाक की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए। उसके जवाब में इंग्लैंड 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खेलकर 334 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के जो रूट ने 107 और जॉस बटलर ने 103 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद मेजबान टीम को जीत नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए डेथ ओवर्स में वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने जबरदस्त गेंदबाजी की। रियाज ने 3, आमिर ने 2 विकेट लिए। वहीं लेग स्पिन और शादाब खान को भी 2 विकेट मिले, जबकि हाफिज और शोएब मलिक को 1-1 विकेट हासिल हुआ। वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।